मामला वार्निंग दे दिया है कि अपने आप को आप सुधार लीजिए, वरना आखिर जाग जाएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 59 के नियामतपुर मस्जिद के समीप शुक्रवार को नियामतपुर पीस कमेटी व नियामतपुर पुलिस की ओर से नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। नियामतपुर फाड़ी प्रभारी अखिल मुखर्जी ने लोगों से आह्वान किया कि युवकों को नशा से दूर रहना चाहिए, नशा की लत पड़ने से घर में चोरी करना शुरू करेंगे, जिसके बाद अन्य अपराध में नशा को पूरा करने के लिए संलिप्त हो जाएंगे। इसीलिए घर से ही परिजन अपने बच्चों को नशा से दूर रहने की सलाह दें। सभी समाज के लोग अपने युवकों को समझाएं नशा कितनी खराब चीज है, साथ ही साइबर क्राइम पर भी लोगों को सचेत रहने की सलाह दी। वहीं वार्ड संख्या 59 के पार्षद जाकिर हुसैन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे वार्ड में जितने भी लोग गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सावधान करते हुए अपने वार्ड के उन्नति के कार्यों को गिनाते हुए सभा को प्रारंभ किया। हम लोग ये मीटिंग क्यों करता है, ये मीटिंग क्यों बुलाया, इसलिए बुलाया जो हमारा जो हम हर मोहल्ला में मीटिंग करेगा, हम लोग का जो गैप होता है पब्लिक और पुलिस के बीच में एक गैप होता है, वो गैप को दूर करने के लिए हम लोग आप लोग के साथ ये मीटिंग करते हैं। एक बात आप भी दिमाग में घुसा लीजिए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम सिर्फ एक तरीका से नहीं है, बहुत सारा तरीका से होता है। क्या है, आपको सिर्फ फोन करके आपको बैंक का रुपया नहीं ले रहा है, बच्चा बच्चा लड़की लड़का लड़की को भी घुसला करके यहाँ से वो लोग ले जा रहा है, तो ये क्राइम अभी सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। हम एक बात आपको बता रहा है, आप लोग को सबको ज्ञान है, तब भी आप गलती करता है, हमारा घर में मेरा फैमिली मेंबर भी ऐसा गलती कर रहा है कि क्योंकि वो लोग उसका तरीका से आपको कन्विंस कर दे रहा है। अब पता है हम लोग जितना ऐसा साइबर क्राइम लड़का को पकड़ा, वो 8 से 9 पास लड़का है, और जो जो आदमी को ऐसा करता है वो कोई GM है, कोई मैनेजर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ऐसा कि पुलिस का आदमी भी है। हम लोग काउंसलर के हिसाब से भी हम लोग इलाके में क्लिनिक नजर रखे हुए हैं, जो पिछला जो भी कुछ हो रहा है उसे हम अवगत है, पिछले बार में जो कुछ भी इलाका में हुआ है वो हम सब मेरे नॉलेज पर अब आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ साइबर है, कहाँ पर साइबर क्राइम हो रहा है, कौन सा टावर में बैठा हुआ है, ये सब हम लोग को नजर है और इस पर हम लोग पैनिक नजर रखे हुए हैं, जो हम लोग बहुत जल्द उसको हम लोग वार्निंग दे दिए हैं कि अपने आप को आप सुधार लीजिए, वरना आखिर जाग जाएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाकी जो किसी को भी कोई किसी तरह का भी किसी के कोई परेशानी अगर हो तो बेझिझक हमसे मिले, जब तक हमसे नहीं मिलेगा तो आप हमको मेरा मिजाज आपको कैसे समझ में आएगा। कोई अगर बोल देता है कि मिजाज है तो इस पर ना जाए, हमसे मिले, जरूर मिले, आपका हम काम करने के लिए आए हैं, विकास करने के लिए आए हैं, कोई पैसा जोड़ने के लिए हम नहीं आए हैं, ये आपका वादा है। सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें सोशल मीडिया से मिल जाती है और सोशल मीडिया कई बार हमारी आवाज बन के उभरता है और कई बार हमें दलदल में फंसा भी देता है। आज सोशल मीडिया में तकरीबन, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर लोगों को बर्बाद करना हो तो उन्हें मुफ्त में चीजें बांटनी आरंभ कर दो। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने चाय मुफ्त में बांटी, उसके बाद भारत पर राज किया, और पहले हमें इंटरनेट की लत लगाई गई, इंटरनेट के साथ जोड़ा गया, बच्चे बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे मोबाइल फेसबुक में व्यस्त हो गए और बाद में हमें लूटना प्रारंभ कर दिया गया। और आज साइबर क्राइम जो हो रहा है वो आपको श्री अखिल मुखर्जी जी ने बहुत ही विस्तार से बताया,